हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ विजय कुमार यदु फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस लैब में हम लोग स्टडी ऑफ एन ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिफरेंशियल सिस्टम क्या होता है? तो डिफरेंशियल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑल फोर व्हीलर्स। अ डिफरेंशियल इज यूज्ड टू अलाउ द व्हील टू स्पिन एट डिफरेंट स्पीड्स। दिस इज अ नेसेसरी व्हेन द व्हीकल टर्न्स। तो मेनली क्या होता है, जो डिफरेंशियल होता है व्हीकल टर्न होता है। अब क्या है, अगर ये डिफरेंशियल सिस्टम किसी भी व्हीकल में ना लगा हो तो उसे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो उसे क्या होगा, आपका डिफरेंशियल नहीं होगा तो जैसे टर्न होगा तो इनर जो आपका व्हील है और आउटर व्हील है तो इनर व्हील को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, और आउटर जो व्हील है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, हमारा जो गाड़ी है या व्हील है वो स्पिन होने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए वहां पर डिफरेंशियल यूज किया जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डिफरेंशियल सिस्टम क्या है, जिसमें आपका पिनियन ड्राइव गियर्स है। पिनियन ड्राइव गियर क्या करता है आपका, फिर रिंग गियर्स है, स्पाइडर गियर्स है, और डिफरेंशियल केस असेंबलीज है, एंड रियर ड्राइव एक्सल है। ठीक है, तो पिनियन ड्राइव गियर क्या करता है, ट्रांसफर पावर फ्रॉम द ड्राइव शाफ्ट टू द रिंग गियर। ये पिनियन ड्राइव गियर का काम है। तो नेक्स्ट आपका रिंग गियर, तो रिंग गियर का क्या वर्क है, विल ट्रांसफर पावर टू डिफरेंशियल केस असेंबली। नेक्स्ट आपका स्पाइडर गियर्स, तो स्पाइडर गियर का क्या वर्क है, द स्पाइडर गियर्स लाइज एट द हार्ट ऑफ द डिफरेंशियल एंड स्पेशियल मेंशन शुड बी मेड अबाउट इट्स रोटेशन। डिफरेंशियल केस असेंबली, तो इसमें क्या होता है, होल्ड द गियर एंड ड्राइव द एक्सल। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका रियर ड्राइव एक्सल, ट्रांसफर इसका क्या वर्क है, ट्रांसफर टॉर्क फ्रॉम डिफरेंशियल असेंबली टू द ड्राइव व्हील्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंशियल सिस्टम, पार्ट्स हैं उसके डिफरेंशियल सिस्टम में रहते हैं, जो टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए और गियर को होल्ड करने के लिए और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट ड्राइव शाफ्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। और मेनली क्या होता है, तो नो अदर देयर विल बी द टेंडेंसी फॉर द व्हील टू स्किड, जब स्किड होने का चांसेस रहेगा अगर ये डिफरेंशियल यूज नहीं होगा तो। हेंस इफ द व्हील स्किडिंग इज टू बी अवॉइडेड सम मैकेनिज्म मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रियर एक्सल विच शुड रिड्यूस द स्पीड ऑफ द इनर व्हील्स एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द आउटर व्हील्स। When taking turns, it should at the same time keep the speed of the all wheels same when going straight ahead. Such a device which serves the above function is called a differential. तो यहाँ पे parts of differential हम लोग देख सकते हैं, दो एक wheels में है जो rear wheels है, rear wheels में connected है, ये transmission system से connect है आपका, जो engine से इसमें transfer हो रहा है, ये left wheel हो गया, ये right wheel हो गया, और एक शॉफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है। तो वहां पे वो शॉफ्ट में और आपका डिफरेंशियल जो ट्रांसमिशन शॉफ्ट है वहां पे कनेक्टेड है, जिसमें आपका क्या है, सन गियर के थ्रू कनेक्टेड है, और आपका क्या है, हाफ शॉफ्ट है, सन गियर्स है, प्लेनेट जो है, ट्रांसमिशन शॉफ्ट है, ड्राइविंग पिनियन है। तो डिफरेंट टाइप का जो वहां पे क्या है, सिस्टम्स अरेंजमेंट है। ठीक है, फिर वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल, तो वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल कैसे होता है, तो वेन टर्निंग, जब क्या होता है, हमारा जो व्हीकल है टर्न लेता है, लेफ्ट या राइट टर्न लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एक हमारा जो व्हीकल टर्न लेता है तो जो इनर व्हील है उसका जो मूवमेंट है आउटर व्हील से कम होता है, क्योंकि आउटर व्हील को ज्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना होता है, ये डायग्राम में देख रहे हैं। द इनर एंड आउटर व्हील्स हैव आर्क्स ऑफ डिफरेंट टर्निंग रेडी, अलग अलग रेडी में वो टर्न हो रहे हैं। द इनर व्हील्स ट्रेवल्स लेस डिस्टेंस देन द आउटर डिस्टेंस,
आउटर व्हील्स। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो व्हीकल है वो स्कीड करने के चांसेस होगा, क्योंकि इनर जो कम डिस्टेंस करेगा आउटर ज्यादा कर रहा है तो स्कीड होने के चांसेस है। तो इस स्कीड होने के जो चांसेस है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे करता है, फ्रॉम द ड्राइव शाफ्ट पावर इज ट्रांसफर्ड टू द पिनियन गियर फर्स्ट। तो जो यहाँ पे हम डायग्राम है, डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो जो ड्राइव शाफ्ट है पावर इज ट्रांसफर्ड टू द पिनियन गियर फर्स्ट, देन क्या होता है, सिंस द पिनियन एंड रिंग गियर आर मैच्ड। तो पिनियन और जो रिंग गियर होता है दोनों क्या होता है, मैच्ड होते हैं, ठीक है। पावर फ्लोटर रिंग गियर, तो रिंग गियर में क्या होता है, जहां से वो क्या होता है, पावर जो है रिंग गियर में सप्लाई होने लगता है, फ्लो होने लगता है। एज द रिंग गियर इज कनेक्टेड विद द रिंग गियर पावर फ्लो टू इट। तो जो स्पाइडर गियर कनेक्टेड होता है किससे, रिंग गियर से। रिंग गियर को कहां से मूवमेंट मिल गया, आपका पावर मिल गया शाफ्ट ड्राइव शाफ्ट से, ठीक है। सो क्या होता है, दोनों कनेक्टेड रहते हैं, कौन कौन, स्पाइडर गियर और ये, तो उस थ्रू क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक। देन क्या होता है, इन द केस द स्पाइडर गियर रोटेट्स अलोंग द रिंग गियर बट डज नॉट रोटेट एट इट्स ओन एक्सिस। तो क्या होता है, अपने एक्सिस में रोटेट नहीं होता है स्पाइडर गियर, ठीक है। सो द स्पाइडर गियर विल पुश एंड मेक द साइड गियर्स टर्न एंड बोथ विल टर्न एट द सेम स्पीड। उससे क्या होता है, आपका जो दोनों गियर है सेम स्पीड में रोटेशन चालू हो जाता है। द डिफरेंशियल इज यूज्ड नॉट ओनली इन ऑल मॉडर्न कार्स एंड अदर टू व्हील ड्राइव व्हीकल्स बट ऑल्सो इन मेनी ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स, ठीक है। ऑल व्हील जो ड्राइव होता है वहां पे यूज किया जाता है, जिसमें आपका जैसे फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स वहां पे यूज होता है, वेयर इन बिसाइड्स द डिफरेंशियल ऑन ईच ऑफ द एक्सल्स, जिसमें फोर व्हील ड्राइव होता है उसके सभी के एक्सल्स में वो इंक्लूड होते हैं। व्हीकल टेकल्स अ टर्न, जब व्हीकल जो है, व्हीकल क्या होता है, टर्न होता है, राइट टर्न ले रहा है, हम लोग यहाँ पे राइट की एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है, इन दिस अलॉन्ग विद द रोटेशन ऑफ द रिंग गियर इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो रिंग गियर क्या करेगा, अपने ओन एक्सिस में रोटेट करेगा, उसे क्या हो जाएगा, सो द स्पाइडर गियर इज हैविंग अ कंबाइंड रोटेशन। उससे क्या हो जाएगा, आपका स्पाइडर गियर का रोटेट होना चालू हो जाएगा। वेन द स्पाइडर गियर इज स्पिनिंग एज वेल एज रोटेटिंग, तो स्पाइडर गियर क्या होगा, आपका स्पिन होने के साथ साथ रोटेट भी होगा। पेरिफेरल वेलोसिटी एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइडर गियर इज द सम ऑफ द स्पिनिंग एंड रोटेशनल वेलोसिटी। तो वहां पे जो पेरिफेरल वेलोसिटी जो जनरेट होगा लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइडर गियर इज द सम ऑफ द स्पिनिंग एंड रोटेशनल वेलोसिटी, बट एट द राइट साइड इट इज द डिफरेंस ऑफ टू सिंस द स्पिन वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एट दिस साइड। तो ये क्या होता है, जब व्हीकल क्या होता है उससे अफेक्ट करता है तब। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर फंक्शंस ऑफ डिफरेंशियल। इसको छोड़ के डिफरेंशियल के और क्या क्या वर्क हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्पीड रिडक्शन एट द पिनियन रिंग गियर असेंबली। तो क्या करता है, स्पीड रिडक्शन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एट द पिनियन गियर रिंग असेंबली। सिंस द पावर फ्लो एट द पिनियन एंड रिंग गियर आर द सेम, सच अ स्पीड रिडक्शन विल रिजल्ट इन अ हाई टॉर्क मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड, कैन ऑल्सो नोट वन स्पेशली ऑफ द रिंग गियर, कैन ऑल्सो नोट वन स्पेशली ऑफ द रिंग गियर, दे आर हाइपोइड गियर्स। हाइपोइड गियर्स हैव मोर कॉन्टेक्ट एरिया कंपेयर टू द अदर गियर पर। तो हाइपोइड जो गियर्स होता है उसमें जो कॉन्टेक्ट एरिया रहता है अदर गियर से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट जो इसका वर्क है, द अदर फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इज टू टर्न द पावर फ्लो डायरेक्शन बाई 90 डिग्री। इसका जो मेन वर्क है ये क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है 90 डिग्री में, ठीक है। द अदर फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इज टू टर्न द पावर फ्लो डायरेक्शन बाई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या करता है, वो उसको फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, ठीक। तो ये क्या होगा, इसके फंक्शन ऑफ आपके हो गए डिफरेंशियल। देन हम लोग डिस्कशन करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल, उसके क्या ड्रॉबैक्स है। द प्रॉब्लम इज एन ओपन डिफरेंशियल ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस द टॉर्क। टॉर्क को क्या करता है, बैलेंस करने की
कोशिश करता है। ऑलमोस्ट नो टॉर्क इज नीडेड टू स्पिन वन व्हील। तो वन व्हील को रोटेट होने के लिए टॉर्क की जरूरत है। एंड सिंस द ओपन डिफरेंशियल ऑलवेज इज सेंड द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क टू द बोट आउटपुट शाफ्ट, तो ये क्या होगा, उसके ड्रॉबैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द टॉर्क फ्रॉम द फाइनल ड्राइव इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन द टू हाफ शाफ्ट्स एंड एज द प्लेनेट पिनियंस आर फ्री टू द रोटेट ऑन क्रॉस पिन और द स्पाइडर आर्म दे कैन नॉट अप्लाई डिफरेंट टॉर्क टू द डीट ऑन वन साइड। डिवाइड द टॉर्क इक्वली बिटवीन द टू व्हील्स एंड एक्सल इवन वेन देयर स्पीड्स आर डिफरेंट। तो डिवाइड इक्वल डिवाइड करने का काम करता है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल। तो अपने पास है जिसमें आपका ओपन डिफरेंशियल, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है जिसमें क्लच LSD है, विस्कस है, ये डिफरेंट टाइप के क्या है आपके डिफरेंशियल्स हो गए। जिसमें आपका ईरगोडिस डिफरेंशियल है, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल्स है, ई लॉकर डिफरेंशियल है, तो डिफरेंट टाइप के आपका डिफरेंशियल्स है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इन ऑफ रोडिंग और स्नो सिचुएशन, जहां पे क्या ऑफ रोडिंग है या स्नो सिचुएशन है, वेयर वन व्हील बिगिंस टू स्लिप और लूज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। तो लिमिटेड स्लिप क्या होता है, जहां पे एक जो व्हील है वो क्या होता है स्लिप होना या क्या कहता है लूज कॉन्टेक्ट चालू हो जाता है। इन दिस सिचुएशन अ लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल प्रिवेंट्स एक्सेसिव पावर फ्रॉम बीइंग लोकेटेड टू वन व्हील। एक्सेसिव पावर जो मिलने का जो प्रिवेंट्स करता है उसको एलोकेट टू वन व्हील एंड देयर बाई कीपिंग बोथ व्हील्स इन पावर रोटेशन। उसे क्या करता है वो पावर रोटेशन के लिए दोनों को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। और ये डिफरेंशियल क्या होता है, यूनिट कॉन्सिस्ट में क्या है, टू प्लैनेट पिनियंस है, सन प्लैनेट्स है, केज है, क्रॉन व्हील एंड बेवल पिनियंस। कंक्लूजन, इन ऑटोमोबाइल्स एंड अदर व्हील्ड व्हीकल्स द डिफरेंशियल अलाउस ईच ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। मेनली क्या करता है, ये डिफरेंट स्पीड्स में रोटेट करने के लिए अलाउ करता है व्हाइल सप्लाइंग इक्वल टॉर्क ईच ऑफ देम, जबकि सभी को इक्वल टॉर्क क्या करता है वो सप्लाई करता है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल प्रिवेंट्स एक्सेसिव पावर फ्रॉम बीइंग एलोकेटेड टू वन व्हील एंड देयर बाय कीपिंग बोथ व्हील्स इन पावर्ड रोटेशन। ठीक है,